पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। क्या जरूरत है स्कूल जाने की? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपने घर पर ध्यान दो। ये स्कूल का भूत उतार लो अपने सर से। और वैसे भी तुम्हारी एक जमींदार के बेटे से शादी हो गई है, वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए? बिंदिया को सूरज की बातों का बहुत बुरा लगता है। एक दिन सूरज की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, वो जोर जोर से खांसना शुरू कर देता है और उसे खून की खांसी आनी शुरू हो जाती है। अरे कोई जीप लेकर आओ, सूरज जी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। बिंदिया सूरज को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर आप प्लीज कुछ करिए, उनको बचा लीजिए। डॉक्टर सूरज को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। डॉक्टर सूरज को नहीं बचा पाते। इस खबर से जमींदार साहब बहुत रोते हैं। सूरज के मरने के बाद गांव वाले उसके शव का अंतिम संस्कार करने चले जाते हैं। तभी गांव की औरतें बिंदिया के पास जाती हैं। बिंदिया तुम्हें हमारे साथ चिता के पास चलना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें सूरज की चिता पर सती होना पड़ेगा। सती? ये क्या होता है? अरे तुम्हें पता नहीं इस प्रथा के बारे में? ये तो हमारे गाँव में कब से चलती आ रही है। इसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी पत्नी जल जाती है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गलत है, मैं ये सब नहीं करूँगी। गाँव की औरतें बिंदिया की एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती सूरज की चिता के पास ले जाते हैं। बिंदिया जोर जोर से चिल्लाती है मगर उसकी कोई नहीं सुनता। फिर बिंदिया चिता पर बैठकर तड़पते हुए जल जाती है। बिंदिया को आत्मा की शांति नहीं मिलती इसलिए वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन सब की सोच को बदल कर रहूंगी। इन गाँव वालों ने मुझे आग में चलाया था ना, अब मैं इन्हें आग लगा कर दिखाऊंगी। एक दिन गाँव का एक आदमी रात को खेत से घर वापस जा रहा होता है। चुड़ैल पेड़ पर बैठी उस पर नजर रख रही होती है। ये रहा मेरा पहला बकरा, अभी इसे पकड़ती हूँ। चुड़ैल अपना भेष बिंदिया में बदल लेती है और उस आदमी के पास आकर खड़ी हो जाती है। आदमी उसे देखने के लिए उसके पीछे जाता है। चुड़ैल और आगे चलती है। चुड़ैल जैसे ही पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखती है तो वो आदमी बहुत डर जाता है। चुड़ैल उस आदमी को अपने पीछे चलाते चलाते उसे एक जंगल ले आती है और बिंदिया से अपना भेष चुड़ैल में बदल लेती है। चुड़ैल उसे खींच कर ले जाती है और अपने आसपास एक आग का बिस्तर बना देती है और उसके साथ जात के बैठ जाती है जिससे वो आदमी मर जाता है। अरे वाह, चलो गांव से एक बकरा तो कम हुआ, अब ऐसे ही एक एक करके मैं सबको जला दूंगी। ऐसे ही करते करते चुड़ैल गांव के बहुत सारे लोगों को जला देती है। पूरे गाँव के लोग और गाँव का जमींदार बहुत चिंता में होते हैं कि आखिर गाँव के इतने सारे लोग कैसे मर रहे हैं। एक दिन ऐसे ही एक रात को एक आदमी घूम रहा था, वो शराब के नशे की वजह से होश में नहीं था। अरे ये आदमी तो पहले ही नशे में धुत है, इसको पकड़ना आसान होगा। चुड़ैल अपने आप को इंसान के भेष में बदल कर उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उसे खींच कर जंगल ले आती है। जैसे ही चुड़ैल अपना भेष बदलती है वैसे ही वो आदमी घबरा कर भाग जाता है और चुड़ैल उसे नहीं पकड़ पाती। वो आदमी सुबह होते ही जमींदार को सब बता देता है। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? क्या पता तुम नशे में धुत थे इसीलिए तुम्हें वहम हुआ हो। अरे मालिक, आप आज रात को ही देख लीजिएगा। चलो ठीक है, देख लेंगे हम रात को। रात को जब जमींदार उस आदमी के साथ देखने जाता है कि हर रात को वहाँ कौन सी चुड़ैल आती है, चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है। ये दोनों तो मुझे ही ढूंढते ढूंढते आ गए हैं। लगता है इनको पता चल चुका है कि उनके गाँव में एक चुड़ैल घूम रही है। जमींदार जैसे ही चुड़ैल को देखता है तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला जाता है। चुड़ैल को पता चल जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी चुड़ैल अपने आसपास आग का बिस्तर बना देती है और उस पर बैठ जाती है। अरे जमींदार बाबू, याद है आपको? आपने मुझे ऐसे ही अपने बेटे की जलती चिता पर बिठा दिया था, कुछ याद आया? बिंदिया बहू। हाँ, मैं जैसे आपने मुझे जलाकर मार दिया था वैसे ही मैं इस पूरे गांव के लोगों को जला दूंगी। नहीं नहीं बिंदिया, हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो। हम आज से ये सती प्रथा गांव से हटा देते हैं। हमें समझ आ गया है, पति के मरने के बाद भी पत्नियों को जीने का हक होता है। हमें हमें माफ कर दो। अच्छा है, आपको ये बात समझ में आ गई। मैं खुश हूँ कि अब ये प्रथा गांव से खत्म हो जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल आसमान में उड़कर गायब हो जाती है।